हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुमसकर, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप विजिट करिए कॉन्फ्रेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के। बहुत दिनों से आप कह रहे थे सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे दीजिए, आपका बोर्ड का एग्जाम है सुबह 10 बजे, ठीक ना। और ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सुबह 5 बजे। तो अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दूंगा। सेम यही क्वेश्चन आ सकते हैं या ओनली डाटा चेंज करके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो डेफिनेटली है 5 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट है। अगर आप करके जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसमें भी जो मैं 5 आपको न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, इसमें से 1 या 2 न्यूमेरिकल सबके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.002 प्रति वर्ष है, इसकी औसत आयु तथा अर्धायु ज्ञात कीजिए। देखिए, रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक दे रखा है, तुम्हारे पास गिवन है लैम्डा इक्वल टू 0.002 प्रति वर्ष। तो फर्स्ट निकालने में सबसे पहले निकाल देते हैं अर्धायु। अर्धायु टी बराबर होता है 0.6932 या 31 बाय लैम्डा। वन ले लेते हैं 0.6931 बाय लैम्डा। ये अर्धायु का फॉर्मूला होता है, याद रखना फॉर्मूला। आप 0.6931 बाय लैम्डा जाएगा 0.002। देखिए, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका जाएगा सिंपली, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देना, 3 दुना 6, 2 दुना 4 दुना 8, बचे कितना 1, 3, 6 दुना 12, ठीक, बचे कितना 1, 5। देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 दशमलव यहाँ पे उठ के जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 1, 2, 3, इस समय दशमलव 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा इतना वर्ष। नेक्स्ट औसत आयु, औसत आयु इसको रिप्रेजेंट करता है टाउ से। तो औसत आयु का जो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर होता है 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय 0.002 पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर जाएगा 3 जीरो, डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा आपका 500 वर्ष। क्या जाएगा? 500 वर्ष। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 मिनट है, कितने समय बाद इसकी सक्रियता घटकर प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाएगी। तो यहां पे सिंपली हमारे पास क्या दे रखा है, अर्धायु दे रखा है गिवन, हमारे पास क्या दे रखा है अर्धायु दे रखा है। देखिए अर्धायु टी बराबर 20 मिनट, कह रहे कि कितने टाइम बाद घट के इसकी सक्रियता जो है 1/16 रह जाएगा, कितने टाइम बाद, ठीक ना। तो सक्रियता दे रखा है आर, ठीक ना, कितने समय बाद, टी समय बाद सक्रियता को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर बराबर हो जाएगा आर नॉट बाय 16। क्या होता है? आर नॉट बाय 16। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, R by R naught बराबर होता है 1/2 n, जहां n बराबर होता है small t by capital T। small t कितने समय बाद इतना प्रारंभिक मात्रा जाएगा, कैपिटल T उसका अर्धायु कहलाता है। देखिए यहां से इस बार इक्वेशन से R अपॉन R naught का वैल्यू निकालेंगे तो 1/16 इक्वल टू 1/2 की पावर n। देखिए 1/16 को 2 की पावर n के टर्म्स में लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे 1/2 की घात 4 बराबर 1/2 की घात n। देखिए बेस बराबर है तो घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना करने पे n बराबर क्या मिलेगा हमें 4, और जहां n बराबर है
टी बाई टी, तो स्मॉल टी इक्वल टू एन इंटू कैपिटल टी, 4 × 20 बराबर 80 मिनट। मतलब 80 मिनट बाद जो है उसकी सक्रियता जो है घटकर उसकी प्रारंभिक सक्रियता के 1/16 भाग रह जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी सक्रियता घटकर या इसकी मात्रा कितने समय बाद, इसकी मात्रा घटकर इसकी प्रारंभिक मात्रा 1/16 रह जाएगा। यहाँ पे सक्रियता की जगह क्या दे सकता है, मात्रा भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए 6 नियतांक 1.386 प्रतिदिन है। इस पदार्थ के किस नमूने का रेडियोएक्टिव क्षय के पश्चात, इस पदार्थ के किसी नमूने का रेडियोएक्टिव क्षय के पश्चात कितने समय में यह घटकर वर्तमान मान का 6.25% रह जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे कि एक 6 नियतांक दे रखा है रेडियोएक्टिव पदार्थ का, और कह रहे कि वो कितने समय पश्चात जो है, कितने समय पश्चात अपनी वर्तमान मात्रा का घटकर 0.16% रह जाएगा। मतलब इतना परसेंट रह जाएगा और बाकी जितना भी अमाउंट है वो सारा क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लैम्डा, दे रखा है 1.386 प्रतिदिन, और कह रहे कि मान लेते टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो मात्रा है वो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन इक्वल टू एन नॉट का 0.625%। तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, और फिर यहां से पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, और इससे को डिवाइड करेंगे तो 1/16, और एन नॉट जो है वो एन के डिवाइड में आ जाएगा, तो एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/16। तो ये जो मात्रा है, मतलब कितने समय पश्चात, यहां पर देखिए अब 6.25% की जगह यहां पे ये 1/16 भी लिख सकता है, या 1/16 तो परसेंटेज में भी दे सकता है या भिन्नों के फॉर्म में भी दे सकता है। तो 1/16, अच्छा एन अपॉन एन नॉट, तो फॉर्मूला बनता है हमारा, फॉर्मूला है एन अपॉन एन नॉट, ठीक ना, सक्रियता है तो आर अपॉन आर नॉट, मात्रा है तो एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर एन, और एन इक्वल टू कैप स्मॉल टी बाय कैपिटल टी होता है। तो 1/16 बराबर 1/2 की पावर एन, यही क्वेश्चन हमने पीछे सक्रियता के फॉर्म में सॉल्व किया था, जहां से मिला था एन इक्वल टू फोर है, तो यहां से एन इक्वल टू होता है कैपिटल टी स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, तो स्मॉल टी इक्वल टू जो एन इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी जो है ये इसका अर्धायु कहलाता है, तो अर्धायु और 6 नियतांक में संबंध होता है एन इंटू 0.6931 बाय लैम्डा। देखिए n का वैल्यू है 4 इंटू 0.6931 बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 1.386। इसको पूरी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2 दिन, कितना आएगा 2 दिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने, एक ही वाला फॉर्मूला याद रखना, एक एन इक्वल टू स्मॉल टी बाय कैपिटल टी आपको याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए यदि 1 AMU इक्वल टू 931 MeV है। तो सबसे पहले यहां पे द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू जाएगा 0.303 AMU, और कुल ऊर्जा जो जाएगा, कुल ऊर्जा देखिए एक 1 AMU ऊर्जा का लॉस होता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है, अगर इतना AMU एनर्जी लॉस हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो 0.030 × 931 MeV। यहां पे देखिए क्या निकालना है, हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये तो जाएगा कुल ऊर्जा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा हमारा 28.2093
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ऊर्जा टोटल रिलीज हो रहा है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इक्वल टू, ठीक ना, ये जब कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा और डिवाइडेड बाय, ठीक ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए कुल ऊर्जा को टोटल एटॉमिक नंबर से या एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एटॉमिक नंबर से। तो देखिए सिंपली यहां पे कुल ऊर्जा है 28.2093 बटे। अच्छा कुल न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक हीलियम के नाभिक में अगर देखेंगे तो हीलियम के नाभिक में 4 2H4 होता है, तो इसमें कुल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू जो 4, और 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 7 28.20 चार दुना 8 बचे कितना 1 13, और यह जगह 34 12, तो यह जगह 7.7503 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इससे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम 235-92 के एक परमाणु के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए यूरेनियम का एक परमाणु अगर विखंडित होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो रिलीज होता है। जब 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होता है तो कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो कह रहे कि जब 1 ग्राम अगर यूरेनियम को अगर हम विखंडित करते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। Na अवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10²³ प्रति ग्राम परमाणु। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा कि एक परमाणु के विखंड से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो 1 ग्राम यूरेनियम की बात करें तो 1 ग्राम यूरेनियम में टोटल कितना एनर्जी है वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितना एनर्जी है, सॉरी 1 ग्राम यूरेनियम में कितने परमाणु हैं सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम यूरेनियम में, 1 ग्राम यूरेनियम में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या n इक्वल टू, देखिए मोलों की संख्या और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होता है, तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू अवोगाड्रो नंबर। देखिए स्मॉल m 1 ग्राम परमाणु है बटे कैपिटल m इसका मोलर द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान 235 ग्राम इंटू अवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10²³ परमाणु। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 0.62 × 10³³ देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटा देते हैं, पावर यहां से 2 घट जाएगा, तो 602 × 10²³। देखिए इस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.562 × 10²³ परमाणु। मतलब यूरेनियम के 1 ग्राम, यूरेनियम में 1 ग्राम द्रव्यमान में इतने परमाणु हैं, और एक परमाणु के विखंडन से कितना एनर्जी रिलीज होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक परमाणु से और कुल परमाणु की संख्या n हो गया, तो n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.562 × 10²² × 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से इसकी गुणा कर देते हैं, 2 दुना 4, 2 दुना 4, 6 दुना 12, 5 दुना 10 और 1 11, 2 दुना 4 और 1 पाँच, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे जाएगा × 10²², और ये 2 जीरो पावर में ऐड कर देंगे तो 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक
ठीक है। अच्छा, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोवाट घंटा में, ठीक ना। तो किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक ना, मेगा में। तो 5.124 गुणा 10^23 गुणा 10^6 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना, कूलम्ब से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जूल में। किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 की 5.124 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 64 का 4 ऐसे लगा 6, 16 × 2 = 32, 32 × 6 = 38 का 8 ऐसे लगा 3, 16 × 16 = 3 = 19 और 16 × 5 = 80, 80 और 3 हो जाएगा आपका 83, ठीक है, नहीं 80 और 1, क्योंकि 16 × 16 80 और 1 ना, 81 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा, गुणा 10^3, देखिए 23 और 6 = 29, 29 में से 19 गया तो बचा कितना 10, इतना जूल। ये हो गया कुल ऊर्जा, ठीक ना। अब कुल ऊर्जा को हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट घंटा में, ठीक ना। तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होता है, ठीक ना। तो इतने जूल में कितना किलोवाट घंटा होगा, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अतः प्राप्त ऊर्जा किलो वॉट आर में, ठीक ना। तो इक्वल टू जाएगा 8.1984 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय 3.6 × 10⁶। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2.2777 × 10⁻¹⁰, 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 4 किलो वॉट, ठीक है। तो इतना एनर्जी जो है वो आपका किस में जाएगा, किलोवाट आर्स में जाएगा, क्लियर है। तो ये 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन से इतना किलोवाट एनर्जी हम रिलीज कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसमें जैसे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, 1 ग्राम की जगह वो 10 ग्राम भी दे सकते हैं या 1 kg भी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, करने का तरीका आपका सेम रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि पेपर है, डेफिनेटली इससे आपके फ्रेंड को भी फायदा मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ, तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, आप बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से करके आना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने करके आना, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। नहीं भी आता है तो जितना आपको आता है, जितना थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड जो भी आता है आपको बस लिख के आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर आपको करके आना है, चाहे आप गलत करके आए, सही करके आए, कुछ भी करके करके आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस, पेपर अच्छा हो, मैं भगवान से, गॉड से यही प्रे करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।